कैथल से एक बहुत ही दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है। जी हाँ, जहाँ हरियाणा सरकार सरकारी हॉस्पिटल में कोरोना मरीज की देखभाल के लिए बड़े बड़े दावे करती है और तमाम वो सुविधाएं देने का दम भरती है कि जो सुविधाएं निजी हॉस्पिटल में मिलती हैं, वही सुविधाएं सरकारी हॉस्पिटल में भी उपलब्ध होंगी, परंतु धरातल पर इसकी सच्चाई कुछ और ही है। आइए दिखाते हैं आपको कैथल के नागरिक हॉस्पिटल की ये दिल दहलाने वाली तस्वीरें, जिनको देख कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए किस तरह से मरीजों को बेड के साथ बांधकर रखा जाता है, मरीजों को और बुजुर्ग महिलाओं को बिना किसी के सहारे कैसे जमीन पर तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्या ऐसे होता है मरीजों का इलाज? भले ही हॉस्पिटल प्रशासन स्टाफ को लेकर या सुविधाओं को लेकर कितने ही बड़े दावे क्यों ना करता, परंतु कहीं ना कहीं ये तस्वीरें नागरिक अस्पताल कैथल की पोल खोल रहे हैं। इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए, इनको देखकर नहीं लगता कि सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा नाम की कोई चीज ही नहीं है? अगर ऐसे ही कोरोना का इलाज होता है तो आखिर कौन जाएगा इलाज कराने? भले ही हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा वहां तमाम सुविधाएं देने के दावे किए जाते हैं, परंतु इन तस्वीरों में वो सभी दावे कहीं ना कहीं थरस होते दिखाई दे रहे हैं। कैथल नागरिक अस्पताल के कोरोना इलाज के दौरान की 3 वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। जहाँ आम नागरिक को सरकारी हॉस्पिटल में जाने से डर लग रहा है, वही कोरोना के नाम पर जो इलाज किया जा रहा है उसको लेकर लोगों में भारी रोष है। इस बारे में जब अस्पताल के डॉक्टरों से बात की गई तो उनका कहना है कि अस्पताल में लगभग 99 कोविड पेशेंट हैं और सभी का इलाज ठीक ढंग से हो रहा है। अटेंडेंट हैं जो सभी की देखभाल कर रहे हैं, सभी को ऑक्सीजन में अन्य दवाइयां समय पर मिल रही हैं। ये वीडियो किसी न किस मंशा से किस तरीके से बनाए ये नहीं कहा जा सकता, सब कुछ सामान्य है। पर हम अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि अगर यहाँ सब कुछ सामान्य है तो क्या वीडियो झूठ बोल रही है? इसकी बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि लोग अपना जीवन बचाने के लिए ही अस्पताल जाते हैं। क्या कहना है डॉक्टर रेनू चावला, पीएमओ हॉस्पिटल कैथल का, सुनिए। सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो वायरल हो रही है जो हॉस्पिटल के, उसमें जो सुविधाओं के नाम पर जो कमियां दिख रही है सिविल हॉस्पिटल कैथल की, क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं खुद भी पुष्टि करूंगी और जो हमारे आइसोलेशन के इंचार्ज हैं उन्होंने जैसे आपको बताया है कि सुबह 6 वार्ड अटेंडेंट्स थे, 3 स्टाफ नर्सेस थी और 2 डॉक्टर्स और 2 इंटर्न्स डॉक्टर भी थे, जो बार बार पेशेंट्स को ऑक्सीजन भी दे रहे थे, इंजेक्शन भी लगा रहे थे। लेकिन और किसी भी पेशेंट को जैसे ज़रूरत होती है कि बाथरूम जाना है या खाना खाना है, उसके लिए मैंने खुद ऑर्डर्स कर रखे हैं कि वार्ड अटेंडेंट खिलाता है, जिसके मैं वीडियोज़ भी मंगवाती हूँ। आज भी मैंने अपने काउंसलर से वीडियोस मंगवाई हैं और पेशेंट के रिश्तेदारों से बात कराते हुए दिखाई गई हैं, जिसमें हमारी काउंसलर ने कुछ पेशेंट से घर से वीडियो में बात कराई कि मेरा पेशेंट ठीक है या नहीं है। वो मैं वीडियो रोज़ देख रही हूँ कि हमारे अटेंडेंट्स, जो हमारी काउंसलर है प्रियंका, वो डेली वार्ड के अंदर जाती है और मरीजों के रिश्तेदारों से मरीजों की बात करवाती है। डॉक्टर साहब, जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, क्या आप इस चीज़ की पुष्टि करते हैं कि हॉस्पिटल की है वीडियो जो वायरल की गई है? ये उस कोविड सेंटर की है या नहीं है ये तो डॉक्टर राजीव ने आपको बता ही दिया है कि ये है, लेकिन ये किस मंशा से खींची गई है ये नहीं बता सकते, क्योंकि कल एक मरीज बहुत ज़बरदस्ती कर रहा था 72% पर ही कि मेरे मरीज़ की छुट्टी कर दी जाए, लेकिन उसकी छुट्टी डॉक्टर ने राजीव ने नहीं की, क्योंकि वह मरीज़ रास्ते में ही ख़त्म हो जाता। इस कारण शायद हो सकता है कि किसी ने ऐसा किया हो, या कुछ मरीज़ कल कह रहे थे कि हमें अपने रिश्तेदारों के पास अंदर जाने दो, उनको ये कहा गया कि आप अंदर मत जाइए, आपको भी खतरा है, हम केयर कर रहे हैं, हमारी स्टाफ नर्सेज अंदर हैं। लेकिन कई बार मरीज़ अंदर ज़बरदस्ती भी घुसते हैं। अब किस मंशा से ये ली गई है इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। सर, प्रशासन साफ दावे कर रहे हैं कि हम अंदर केयर कर रहे हैं, लेकिन केयर जो है वो वीडियो में बखूबी दिखाई दे रही है कि किस तरह से केयर की जा रही है। इस वीडियोज़ में ये दिख रहा है, लेकिन जो वीडियोज़ हम मंगवा रहे हैं या हम अपने काउंसलर को भेजते हैं, अपने डॉक्टर्स को भेज के मैं समय समय पर मंगवा रही हूँ कि उनका बारे में बताया जाए, वो हमें अभी ठीक लग रही है। ऐसा कुछ भी अगर हुआ तो फिर हम उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, जो भी स्टाफ अंदर है। मैं मरीजों को बांध कर भी रखा गया, ऐसा क्यों किया गया? नहीं, बांध कर रखा नहीं गया, उस पेशेंट के बारे में डॉक्टर राजीव बता रहे हैं, क्योंकि वो अभी अंदर से होके आए हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर राजीव मित्तल, कोविड नोडल अधिकारी, देखिए। जी, मेरा नाम राजीव मित्तल है। डॉक्टर साहब, कुछ सोशल मीडिया पे, सोशल ग्रुपों में कुछ हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीरें ऐसे वायरल हो रही हैं कि कोई अंदर सुविधा नहीं है और जो कोरोना के मरीज हैं वो बाथरूम में इस तरह से हैं, किसी मरीज को जो है वो जो बेड है उस पर बांधा हुआ, कुछ तरह की वीडियो वायरल है। ऐसा है, सिविल हॉस्पिटल में हमारे पास अंदर 6 अटेंडेंट हैं जो दिन रात मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं, साथ में पूरा स्टाफ, नर्सेस और जो भी अवेलेबल डॉक्टर हैं, चाहे कार्य की कितनी अधिकता हो, इन सभी मरीजों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।
और जिस भी मरीज को कोई भी तकलीफ होती है उसका तुरंत ध्यान रखा जाता है। इस समय हॉस्पिटल में 99 मरीज हैं और सारे मरीज जो हैं उन्हें किसी ना किसी गंभीर जैसे कि जो भी मरीज हैं हमारे पास उन सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उन सारों को केयर की ज़रूरत है, उन सभी को वो केयर दी जा रही है। डॉक्टर साहब, जो वीडियो आपको दिखाई है हमने, क्या आप इस चीज़ की पुष्टि करते हैं कि आपके हॉस्पिटल की है? देखिए, जिस हालात में किसने कैसे ये ली है मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर सकता। हाँ, इस मरीज के बारे में मैं ज़रूर बता सकता हूँ, इन मरीजों से मैं खुद भी मिला हूँ, मरीज बिल्कुल स्थिर हालत में है, मरीज आराम कर रहे हैं, ऑक्सीजन पे हैं तथा उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ इस समय बात वीडियो की जा रही है। वीडियो की जगह है इस वीडियो को, ये वीडियो किस हालात में किसने बनाई है इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता। ये मेरे सामने नहीं बनी है वीडियो। हमारा सवाल आपसे ये है कि जो वीडियो बना की जगह है वो क्या जो कोरोना पॉजिटिव जो है वो अंदर की? देखिए, ऐसा है, अस्पताल में कुछ अलग जगह होती हैं, आप जो मुझे दिखा रहे हैं ये किसने कैसे बनाई है, कब बनाई है, किस मंशा से बनाई है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सर पुष्टि की बात नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि जो जहाँ की ये वीडियो है क्या वो कोविड का जो सेंटर बनाया हुआ है वो वहाँ की वीडियो? देखिए, मैंने जो मरीजों से बात की है, मरीज अपनी सीट पे था, अपने बेड पे था, यहाँ पे मैंने इस मरीज को नहीं देखा। सर, हमारा सवाल ये है कि जो वीडियो जहाँ बनाई गई है, जो दिखाई दे रही है, वो आपके कोविड सेंटर के अंदर के वॉशरूम की है? ये हमारा सवाल ये है। देखिए, ऐसा है, ये मरीज हमारे पास अस्पताल में है, ये जो वीडियो है ऐसा लगता है कि ये अस्पताल के अंदर वॉशरूम की है।